मेरा नाम सादिक पाशा है। बेसिकली मैं चिकबड़ापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम गिरधारी पैडा है और मैं उड़ीसा का बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार जायसवाल है, मैं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं प्लम्बिंग का जॉब करता हूँ सर। तो ये काम मुझे करते हुए 15 से 20 साल लगभग हो ही गया है। लेबर के हिसाब से काम कराते थे, हेल्पर के हिसाब से काम भी करता था और मेरे को डांट भी मिलती थी। कस्टमर कुछ पढ़े लिखे आ जाते थे तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट चलता, प्रॉब्लम होती थी और कई सारे प्रोजेक्ट्स बीच में छोड़ना पड़ता था। पहले रिस्पेक्ट थोड़ा कम था, सब लोग देखते थे तो बोलते थे ये क्या काम करता है, इसको क्या मालूम है, इसको साइड हटाओ, दूसरे को बुलाओ। दो चार जगह ऐसा सुना तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग डायरेक्ट डांट देते थे, कुछ लोग प्रॉब्लम करते थे, वो भी एक जगह पर आकर हमको कहीं थोड़ा डिमोटिवेट होते थे। अपने आप पर जलील महसूस करता था मैं कि अभी एक प्लम्बिंग का काम छोड़ देना है यार, दूसरा कुछ करना ही है 100% करके। मैं तो डिसाइड ही कर चुका था, ये ऑलमोस्ट 6 महीने से चल रहा था। मुझे बताया गया कि नदी एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग को ट्रेनिंग लेना है। मैंने उनको पहली बार, दो बार, तीन बार भी ना कर दिया था, क्योंकि जो भी आते हैं कंपनी वाले एक दो दिन ट्रेनिंग करा देते हैं, फिर सर्टिफिकेट देके छोड़ देते हैं, कोई भी उनका अप्रोच आगे नहीं रहता है। मैं तो राजी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी देखा हूँ कि जाने के बाद खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद गिफ्ट मिला और भेज देते थे। एक जगह पर आके लगा कि ये इतना डिटेल ले रही है तो कुछ करेगी ये लिक्सिल कंपनी और नदी प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बोल रहे ट्रेनिंग ले जाएंगे तो हमारा ही फायदा रहेगा कि ट्रेनिंग ले जाएंगे तो हम भी कुछ आगे बढ़ने का कुछ सीख भी सकते हैं। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम जब आया, बेसिक प्लम्बिंग क्या होता है लाइफ में कभी हम लोग नहीं जानते थे। प्रैक्टिकली हम करते थे लेकिन थियोरी में वो हमारे अंदर एक्सेप्ट करने की एज नहीं थी। तो लगा मुझे मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ, अभी ट्रेनिंग मुझे ज़रूरत है। बेसिक प्लम्बिंग का थ्योरी से लेके पूरा प्रैक्टिकल सभी कुछ बताया गया इसमें। पहले 75% जो मेरे को मालूम था, अभी मेरे को 95% मेरे को मालूम हो गया। तो कम्युनिकेशन जो कस्टमर के साथ होती थी, पहले हमको समझाने में दिक्कत होती थी। यहाँ पर जब मैं ट्रेनिंग को आया, इसका हमको किस तरह कस्टमर को बताना है, ये चीज़ें मुझे ये प्रोजेक्ट नदी के थ्रू मिले। हमको ट्रेनिंग में ये भी सिखाया गया था कस्टमर से कैसे बात करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं, आपका पहनावा पोशाक क्या होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग वो मेंटेन करके अभी चलने लगे। मुझे अच्छा लगा ये नदी प्रोजेक्ट से जुड़ने के साथ और मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिल रही करके बहुत खुशी हुई। जब मैं अपनी पत्नी को बताया, उनको भी एक तसल्ली हुई, चलो कहीं जाकर तुम्हारा प्लम्बिंग के काम को कोई रिकग्नाइज अब करेगा। जब मेरे को सर्टिफिकेट मिला और घर पर जब लेके गया तो मैं सर्टिफिकेट दिखाया तो खुश हो गए, तो मेरे को भी और खुशी हुआ कि आज मेरे वजह से मेरी मम्मी खुश हो गई। कहीं भी जाते हैं वो सर्टिफिकेट जब हम लोग दिखाते हैं कि भाई मैं सर मैं सर्टिफाइड हूँ या मेरे पास सर्टिफिकेट है इस काम में, तो वो और अच्छी तरह से हम लोग से बिहेव भी करते हैं। नॉर्मल प्लम्बर बोले तो उसका वैल्यू नहीं रहता था, फ़ोन करके प्लम्बर है क्या करके पूछते थे, उनके कॉल पर आता है तो सादिक भाई हैं क्या करके बोल के पूछते हैं, उस टाइम मुझे भी फ़ख्र महसूस होता। मैं जब काम करने जाता हूँ तो मतलब मेरे आगे का फ्यूचर जो है वो थोड़ा और अच्छा लगता है मेरे को। प्लम्बर्स जो भी आप सीखना चाहते हैं उनको एक एडवांटेज रहेगा कि अगर ये काम करते हैं फ्यूचर में सर्टिफिकेट के साथ, तो इनका पैसा दुगना या तिगना भी हो सकता है। इसको कोई लीड्स या कोई और दूसरी कंपनी में जाके लेबर के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हालाँकि ये नदी का आए हुए मुझे ट्रेनिंग मिला 1 महीना ही हुआ है, बट इसमें बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ, मुझे अंदर से एक आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि मेरा जो जीवन स्तर है अभी से ही बढ़ गया है और आगे भी बढ़ने का उम्मीद है। प्रोजेक्ट नदी के बाद मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने वाला है, बदलाव आने वाला है, मुझे यकीन है।